Namo Orientam, Namo Sintam, Namo Vairyam, Namo Kovacharam, Namo Vari Sarvasamaya, Namo Samaysaraya, Swanam Bhaktiyam Chakarasthaya, Chit Svabhavaya Bhavaya, Sarva Bhavantara Chaya, Mangalam Bhagavan Deva, Mangalam Gautamogana, Mangalam Kunda Kundari, Jain Dharmostu Mangalam, Sarva Mangal Mangalam, Sarva Kalyan Karakam, Pradhanam Sarva Dharmanam, Jainam Jaitu Sasana, Omkar Bindu Sanyuktam Nityam Dhyayanti Yogini Kamadam Moksadam Chaiva Omkaraya Namo. Bhagavan Sri Kunkunacharya Devachi Granthadhiraj Sri Samaysar Ji Parmahansa की गाथा 9 और 10, इसके ऊपर कल टीका चली थी, आज भावार्थ चलेगा। सुतो ठीक करे जे सुतो केवल जानो तो आत्मने दो तो प्रदीप करारुषि श्रुत के बलि तेने कहे श्रुत ज्ञान सौ जाने जिनो श्रुत के बलि तेने कहे सौ ज्ञान आत्मा होइने श्रुत के बलि तेथी करे सौ ज्ञान आत्मा होइने श्रुत के बलि तेथी करे। जीव का प्रश्न था शिष्य का कि आप कहते हो कि अवैद आत्मा को अज्ञानी जीव समझ नहीं सकते, इसलिए जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है ऐसे जीव को पहले आत्मा का स्वरूप जो अभेद है उसको भेद करके समझाना पड़ता है। वह भेद किया इसका मतलब ये नहीं कि वस्तु में भेद है, लेकिन भेद करके समझाने में सामने वाले को समझने में इजी पड़ता है, अभेद नहीं समझ सकता। एक ही पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है, अब नहीं समझ पाएगा वो। एक ही पदार्थ में दोनों कैसे, एक ही पदार्थ माँ भी है और बेटी भी है, और कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, माँ बेटी कैसे हो सकती है, बेटी माँ कैसे हो सकती है, लेकिन एक ही पदार्थ में, तो फिर उसको व्यवहार से समझाना पड़ता है। इस अपेक्षा से वो माँ है, इस अपेक्षा से वो बेटी है, असल में वो ना माँ है ना बेटी है, वो एक व्यक्ति है। और व्यक्ति के कई संबंध होते हैं, माँ के, बेटी के, बहन के, पत्नी के, बुआ जी, आंटी जी, ऐसे बहुत से होते हैं, सास बोलते हैं, दादी सास बोलते हैं, एक ही व्यक्ति है। ऐसे एक ही पदार्थ है, बस यही व्यक्ति अब समझ में नहीं आता है, तो उसको भेद करके समझाएगा। इसीलिए वस्तु में भेद नहीं है, लेकिन व्यवहार न है उसको भेद करके समझाने की चेष्टा करता है। क्यों करता है? क्योंकि सामने वाले ने कभी आत्मा को देखा नहीं, अगर देखा होता तो कोई सवाल ही नहीं था, इतना बोलने की जरूरत नहीं। उसको आत्मा का स्वरूप रटने की, गोखने की, सुनने की, समझने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया, उसको व्यवहार की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जिसको आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है अभी तक, उसको तो स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। सबसे पहले भैया
संसार के दुखों से छूटना है कि नहीं छूटना है, निश्चय करो। परमानेंट शांति चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले नक्की करो। अवलोकन करो, अपनी गलतियों को निकालो, तो नहीं निकलती है तो सद्गुरु के पास ढूंढो, सद्गुरु से उपाय पूछो, सद्गुरु बोले ऐसा करो। कि गलती निकलेगी तो भक्ति अपने आप आएगी, भक्ति में लीन हो जाओ, सारे संसार को छोड़ दो, अंश मात्र भी इच्छा आशा अपेक्षा नहीं मत रखो। फिर वेद ज्ञान का प्रयास करो, अपने आत्मा को देखने की कोशिश करो, सद्गुरु बताए इसी ढंग से। या सबका आग्रह छोड़ दो, व्रत तप नियम पूजा भक्ति हेरा फेरी सबका आग्रह छोड़ दो। इतना सब समझाने के बाद वेद ज्ञान करते 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 वो आत्मा का निर्णय और बाद में अनुभव करता है जो, इतना इतना प्रॉब्लम है जिसने नहीं देखा है उसको। लेकिन जिसने देख लिया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या उसको तो एक ही बात है, अवलोकन वेद ज्ञान, अवलोकन वेद ज्ञान करते करते आगे बढ़ते जाओ। एक पांव रखो द्रव्य दृष्टि के ऊपर, एक पांव रखो पर्याय दृष्टि के ऊपर। द्रव्य के ऊपर इसलिए देखना है द्रव्य को ताकि आगे बढ़ना हो, कर्मों की निद्रा हो। पर्याय को इसलिए देखना है ताकि मालूम पड़े कि अभी कहाँ तक पहुँचे और कहाँ तक अभी जाना है। कहीं संतोष तो नहीं आ गया है ना, कहीं अभिमान तो नहीं आ रहा है, कहीं प्रमाद तो नहीं हो रहा है, कहीं भक्ति में कमी तो नहीं हो गई है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? परिणाम को देखेगा, अवलोकन करेगा तो मालूम पड़ेगा। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या उसको वापिस वो लक्ष्य लगाने की ज़रूरत नहीं है कि पूर्णता का लक्ष्य करो, सद्गुरु को ढूंढो, उनके चरण में भाव अर्पण करो, उनकी आरती उतारो, भक्ति उतारो, उनके आज्ञा पे चलो। हाँ, परमात्मा बनना है तो वापिस सद्गुरु चाहिए, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए सद्गुरु अभी उसको चाहिए, क्योंकि आत्मा का दर्शन तो हो चुका है। अभी आत्मा का दर्शन करने के बाद परमात्मा बनने का है, इसके लिए उसके पास दोनों हथियार मालूम है, अवलोकन भी मालूम है और पुरुषार्थ करते करते जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा उतना जल्दी वो परमात्मा बन जाएगा। कहीं रुके तो वापिस सद्गुरु की ज़रूरत है, बीच में तो समझ में नहीं आ रहा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। आत्मज्ञान करने के लिए सद्गुरु की ज़रूरत नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद पाँचवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में और आगे श्रेणी लगाने में सद्गुरु की ज़रूरत है। बारहवें गुणस्थान के अंत समय तक सद्गुरु की ज़रूरत है। तेरहवें में तो केवल ज्ञान हो जाता है कि ज़रूरत रहती। तो यहाँ कहा कि व्यवहार की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, भेद करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सामने वाला जीव अभेद आत्मा को समझ सकता। इसीलिए वेद का मतलब वेद दिखाना नहीं है, वेद का मतलब अभेद को दिखाना है। क्या वेद के वेद बताने के बाद ऐसा नहीं कहते हैं एक कोलर है, जेब है, ये जेब बताने के लिए नहीं, कोलर बताने के लिए नहीं, शर्ट को बताने के लिए ऐसा बताया, आय के वास्ते बताया है। वेद क्यों किया शर्ट को, जब्बा नहीं है, जब्बे को कोलर नहीं रहता है, क्या जब्बे के इधर से नहीं होता है, इधर साइड में दो खींचे होते हैं, ये शर्ट है। शर्ट को दिखाने के लिए सामने ऐसा पॉकेट रहता है या कोलर रहता है, ये बताने के लिए होता है, ये हाफ पाए होता है, ये सब बताने के लिए। तो बताना किसको है? कोलर को नहीं बताना है, वेद को नहीं बताना है। वेद का ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चरित्र ऐसा करके ज्ञान को नहीं दिखाना है, दर्शन को नहीं दिखाना है, चारित्र को नहीं दिखाना है, किसको दिखाना है? आत्मा को दिखाना है, क्योंकि वो किस में रहते हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य शोक किस में रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। लेकिन अभी सामने वाला समझता नहीं तो क्या करे? तो उसको अलग 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 देखो, इसमें ज्ञान भी होता है, दर्शन भी होता है, चारित्र भी होता है, ऐसा करके वेद के बात करते हैं वेद की, और समझाना किसको है? अभेद को समझाना। इस प्रकार से जो व्यवहार है, व्यवहार की जो भाषा है वो परमार्थ का प्रतिपादक है, क्योंकि अगर ऐसे में हम नहीं समझाएंगे तो सामने वाला समझेगा भी नहीं कभी। ये बात को यहाँ 9 नंबर और 10 नंबर गाथा में आचार्य देव ने कहा, श्रुत केवली की बात लेकर उन्होंने ऐसा कहा कि जो आत्मा को जानता है वो श्रुत केवली, बहुत बड़ी बात कह दी। ए बी सी डी भी नहीं आती है, अभी तीरियन अवस्था में है, ये नरक गति में है, ये मनुष्य गति में,
और उसको आत्मा का अनुभव हो जाए तो वो क्या हो गया? कितनी बड़ी पदवी दे दिया, गंधर्व के बराबर रख दिया उसको। कैसा रखा? आचार्यों के जो आचार्य हैं उनके बराबर में रख दिया। असल में श्रुत केवली उनको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गंधर्व देव को। चार ज्ञान के धनी होते हैं, भाव लेंगी आचार्यों के भी आचार्य, भगवान के बाद उनका पोस्ट है गंधर्व का। ऐसे पंच परमेश्वरी में उनका आचार्य में आता है स्थान, लेकिन हकीकत में वो आचार्य से भी बड़े हैं। क्यों? ऐसे कई आचार्य उनके हाथ के नीचे रहते हैं, उनकी सेवा चाकरी में रहते हैं गंधर्व की। लेकिन गंधर्व किसकी सेवा करते हैं? जिनेंद्र भगवान की सेवा, उनके चरणों में। नियम से उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं। तो जैसे गंधर्व उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, ऐसे जिसको आत्मज्ञान हुआ वो भी 100% मोक्ष जाने वाला है। क्या 15 भावों के अंदर वो मोक्ष जाएगा जाएगा और तो उसके दोनों की कोटि कैसी रखी? एक कोटि है कि जो आत्मा को जानता है, भले उसको ABCD लिखना नहीं आता, बात करना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, पैसा गिनना भी नहीं आता है, कमाना तो दूर की बात, गिनती करना भी नहीं आता, गमार है, नौकरी करता है, अमान मान दो टक रोटी खाने को मिलती है या खाने को नहीं भी मिलती है, लेकिन जिसको आत्मा का अनुभव हो गया उसके पास क्या आ गया? चैतन्य चिंतामणि रत्न आ गया हाथ में। क्या आया? नहीं बोलते चिंतामणि रत्न मिले तो क्या जो चाहे वो कर सकते, ऐसे इसके पास कौन सा रत्न आया? चैतन्य चिंतामणि रत्न। अब उसको कोई इच्छा ही नहीं रही, वहाँ तो चिंतामणि रत्न मिले तो सोचना पड़ता है कि क्या मांगू क्या नहीं, यहाँ तो मन ही मर गया है, इच्छाएँ खत्म हो गई। कैसा रत्न है कि ये मिलने के बाद इच्छा होती ही नहीं। देखो वो चिंतामणि रत्न मिले तो भीख मांगना चालू रहता है, और यहाँ ये चैतन्य को देख ले तो कैसा रत्न मिला? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं स्वयं परमात्मा। देखो चेंज कितना है। तो ये ज्ञानी पुरुष की ऐसी ज्ञान दशा हो गई, आत्मज्ञान हुआ तो कैसा हो जाता है? इज इक्वल टू गंधर्व देव, श्रुत केवली हो जाए। अभी दसवीं गाथा में ऐसा कहा कि जो गंधर्व देव है, श्रुत केवली है, सारी दुनिया को जानते हैं अपने श्रुत ज्ञान में, वो श्रुत केवली है। हकीकत में तो वही श्रुत केवली है हकीकत में। क्या लेकिन यह आचार्य देव ने प्रश्न किया कि इतना ज्ञान किसका है? दुनिया वालों का है? दुनिया का ज्ञान दुनिया का है कि आत्मा का है? टीवी दिखा तो टीवी का ज्ञान मुझे हुआ, तो टीवी का ज्ञान है कि ज्ञान का ज्ञान है? उसमें टीवी झलक गया है, ये ज्ञान किसका है, किसकी प्रॉपर्टी है? टीवी को जानने वाला ज्ञान किसका, टीवी का कि आत्मा का? आत्मा। गंधर्व ने सारी दुनिया को जाना देखा, वो ज्ञान किसका था? आत्मा का था कि दुनिया वालों का था? तो जिसने आत्मा को जान लिया हो गया श्रुत केवली। कितना आसान, पहले सारी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं, एक आत्मा को जान लो तो खत्म, हमला ही खत्म। ये टीका में आचार्य देव ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब उनका भावार्थ लेते हैं। प्रश्न है कि व्यवहार न परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, वेद के द्वारा आत्मकल्याण कैसे होता है? कि वेद के द्वारा पहले आत्मा तक पहुँचना होता है और आत्मदर्शन हो जाएगा तो सब मालूम कर जाता है। अब भावार्थ, ये भावार्थ जो बनाया है पंडित जयचंद जी ने बनाया है, जे शास्त्र ज्ञान थी अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा ने जाने छे ते श्रुत केवली छे। शास्त्र ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि गंधर्व देव क्या करते हैं, चार ज्ञान के धारी गंधर्व देव क्या करते हैं? ऐसे तो आत्मा का अनुभव तो उनको पहले से ही, ऐसा बढ़ करके मुनि दशा में आकर के साधु उपाध्याय और आचार्य और फिर आचार्यों के भी आचार्य समोसरण में विराजमान है, उनको विशिष्ट स्थान है समोसरण के अंदर, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के कौन है? गंधर्व है। तो जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में जो दुनिया का स्वरूप आया है, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल का सभी पदार्थों उनका पूरा ज्ञान गंधर्व को होता है। लेकिन वो शास्त्र ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वो सुनने से आया,
पढ़ने से आया और उन्होंने शास्त्र की रचना की। ये शास्त्र जो अपने पास अभी हाथ में पढ़ रहे हैं, एक शब्द भी पढ़ रहे हैं, वो किसने बनाया? गंधर्व ने बनाया। जिनेन्द्रदेव तो बनाते नहीं, इनको केवल ज्ञान हो गया, वो शास्त्र की रचना नहीं। जितने भी शास्त्र हैं, जैसे अभी इस काल में जो भरत क्षेत्र में जो है उसमें महावीर भगवान के बाद कौन हुए? गौतम गंधर्व। तो गौतम गंधर्व ने शास्त्र बनवाया, 12 अंक की रचना की। इसीलिए उनको कहा कि जो शास्त्र ज्ञान से, मतलब भगवान की वाणी सुनने से या शास्त्र पढ़ने से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानते हैं, उसका नाम शुद्ध केवली है। ये तो परमार्थ निश्चय कथन है, हकीकत में शुद्ध केवली उसको ही कहते हैं। वड़ी जे सर्व शास्त्र ज्ञान ने जाने छे, अभेद ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जाने वो निश्चय, अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जाने वो निश्चय, और साथ साथ में सारी दुनिया को जाने। आत्मा को तो जाने ही जाने, लेकिन स्वर्ग नरक पाताल भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल सभी पदार्थों का, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, इन सबको जाने। तो वो भी वो जानने वाला, आत्मा को जानने वाला ज्ञान भी ज्ञान आत्मा का ही है, और दूसरों को जानने वाला ज्ञान भी किसका है? आत्मा का ही। लेकिन एंगल अलग अलग है। हम घर में रहते हैं तो घर में देखते हैं तो घर की दृष्टि हुई, और बारी में से बाहर देखते हैं तो बाहर दृष्टि है। लेकिन देखने वाला कौन? अंदर दृष्टि में पड़ा के अंदर या बाहर? तो अंदर देखना वो निश्चय और बाहर देखना वो ऐसा नहीं है। तो शास्त्र ज्ञान से मतलब गुरु की वाणी सुनने से या भगवान की वाणी सुनने से या शास्त्र पढ़ने से, पढ़ने के बाद अभेद आत्मा को जानना, अपने आत्मा को जानना, वो है परमार्थ शुद्ध केवली। और फिर अंदर में जानते 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 ज्ञानावली कर्म का बिल्कुल खत्म हो जाए, क्षय हो जाए और केवल ज्ञान उत्पन्न होवे, या केवल ज्ञान के पहले भगवान की वाणी सुनने से इतनी अंदर में डेवलपमेंट हो गया कि गंधर्व जैसा हो जाए, श्रुति केवली श्रुति ज्ञान का डेवलपमेंट हो जाए अंदर में, अपने आत्मा को जानते जानते जाए। तो ये जो गंधर्व को जो ज्ञान हुआ है वो शास्त्र पढ़ने से नहीं आया क्या? और भगवान की वाणी सुनने से भी नहीं आया है, वो तो निमित्त मात्र। क्योंकि भगवान की वाणी सुनने से अगर गंधर्व बनते हैं तो सभी बन जाते, जितने भी सुनने वाले हैं। नहीं, गंधर्व कौन बन सकता है? सभी नहीं बन सकता। महावीर स्वामी के 3 गंधर्व, गौतम गंधर्व, सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी, ऐसे ऋषभदेव भगवान के 11 थे, पद्म प्रभु के 84 गंधर्व थे। देखो ऐसे वो सभी जीव नहीं बनते हैं, जो विशिष्ट रहते हैं उसकी ऐसी योग्यता रहती है कि जिसका श्रुत ज्ञान बहुत डेवलप होता है, अंतिम छोर तक पहुंच जाता है और वो लब्धि होती है, वो लब्धि होती है। तो लब्धि के कारण से भगवान की वाणी सुनते ही वो 12 अंक की रचना कर लेते हैं। तो 12 अंक की रचना में दुनिया वाले को देखा, उसका नाम व्यवहार, और उसी समय में आत्मा को देखा, उसका नाम ऐसा लेना है। शास्त्र ज्ञान से माने भगवान की वाणी सुनने से, सुनने के बाद अब अभेद ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जाने, मतलब राग को न जाने, शरीर को न जाने, क्षण क्षण बदलने वाली अवस्था को न जाने, कुटुंब परिवार सोसाइटी को न जाने, अन्य जड़ चेतन पदार्थ को न जाने, लेकिन किसको जाने? भगवान की वाणी सुनने के बाद सिर्फ अपने शुद्ध आत्मा को जाने, वो परमार्थ से निश्चय से श्रुत केवली है क्या? और फिर अंदर में जानते जानते जब ज्ञान डेवलप होगा और ऐसा करते करते सारे 12 अंक को जान लेगा, सर्वशास्त्र ज्ञान को जानेगा, उसने भी क्या किया है? वास्तव में किसको जाना है? दुनिया को नहीं, ज्ञान को जाना है। दुनिया को नहीं जाना है, असल में किसको जाना है? क्योंकि दुनिया को जानना तो बदलते रहता है। क्या किया है? ये आत्मा में इतनी निर्मलता हो गई अपने आत्मा को जानने से कि ये आईना बिल्कुल क्लीन हो गया, एक भी दाग नहीं है। तो क्या होता है? दुनिया वाले का फोटो इसमें पड़ गया। किसमें पड़ गया? दुनिया वालों का, जड़ चेतन सभी पदार्थों का, स्वर्ग नरक पाताल का फोटो किसमें पड़ गया? आत्मा में।
आत्मा के ज्ञान में पड़ गया हो, वो ज्ञान को वो जानते हैं। मतलब ये समझो कि एक आईना है बहुत बड़ा, इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फोटो पड़ रहे हैं, या तो नहीं लगाते शॉपिंग सेंटर में वो कैमरा लगा देते हैं, फिर टीवी पे देखते रहते हैं दुकान में कौन आया कौन गया कौन क्या कर रहा है, आदमी लोग काम करते हैं कि नहीं करते, ये सब क्या है किसमें दिखता है, टीवी में दिखता है, टीवी में इन सब का फोटो आता है। ऐसे ज्ञान में इन सब का फोटो आता है, किसका, दुनिया वाले का। और हम किसको देखते हैं, मतलब अंदर किसको देखते हैं, उस टीवी को देखते हैं। कौन से टीवी को देखते हैं, जिसमें सारे दुनिया का फोटो पड़ते रहता है। तो वास्तव में दुनिया को देखते हैं कि टीवी को देखते हैं, वो अपनी जगह बैठे बैठे कहीं जाते नहीं, दरवाजा को देखने के लिए दरवाजे तक छूने की जरूरत नहीं, वहाँ तक जाने की, यहाँ बैठे बैठे ज्ञान में इसका फोटो आ जाता है, इस ज्ञान को देखो तो दरवाजे का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने पंडित जी ने बहुत बड़ी कमाल की बात कही कि देखो जे सर्वशास्त्र ज्ञान ने जाने छे तेने पण खरेखर ज्ञान ने जाण्यो छे, कोने जाण्यो छे, ये जो क्लिप है तो क्लिप का ज्ञान हुआ है, ये क्लिप है ऐसा ज्ञान किसको कैसे हुआ कि इस क्लिप का फोटो मेरे ज्ञान की अवस्था में आया, तो असल में मैंने क्लिप को नहीं जाना है, उसको तो छुआ भी नहीं है, यहाँ पड़ा है देखो, इसको तो छुआ भी नहीं, लेकिन ये क्लिप है, कैसा ज्ञान हुआ कि इस क्लिप का फोटो मेरे ज्ञान की पराई में पड़ा, और मैंने किसको देखा है, अपने ज्ञान की पराई, ऐसी ज्ञान की पर्याय को देखा कि जिस ज्ञान की पर्याय में क्लिप का फोटो पड़ गया, तो क्लिप को छूने की जरूरत नहीं, इस ज्ञान को छू लिया बस है, अपने ही ज्ञान को छूना है, अपने ही ज्ञान को देखना है। तो जो इस प्रकार से जो ज्ञान को जानता है, जे सर्वशास्त्र ज्ञान ने जाने छे तेने पण ज्ञान ने जाणवाथी आत्मा ने जाण्यो, दुनिया वाले को नहीं जाना, किसको जाना, जिसने अपने ज्ञान को जाना उसने किसको जाना, और उसमें जो फोटो पड़ा था दुनिया वाले का वो उसको साथ में जान लिया। असल में किसको जानते हैं, गंधर्व देव किसको जानते हैं, असल में तो वो अपनी आत्मा को जानते हैं, लेकिन उनका ज्ञान इतना आत्मा को जानने जानने से डेवलप हो गया, इतना डेवलप हो गया कि आत्मा को जानते जानते साथ में जो दुनिया वाले का फोटो अंदर पड़ जाता है ना आईने में, वो भी जानने में आ जाता। तो आत्मा को जानना वो निश्चय सुध केवली, और साथ में वो जो दुनिया वाले का फोटो जान लेना उसको व्यवहार सुध केवली बोलते। समझ में आया गंधर्व देव का, जिन्होंने सर्वशास्त्र ज्ञान को जाना उसने भी वास्तव में किसको जाना है, अपने ही ज्ञान को जाना है, मतलब अपने आत्मा को ही जाना है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है, आत्मा ने जाने। कारण क्यों ऐसा कहते हो कि उसने आत्मा को जाना, वो तो बात करते हैं नरक की निगोद की स्वर्ग की पाताल की, फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि वो आत्मा को जानते हैं, क्योंकि आत्मा के ज्ञान में ही इसका फोटो पड़ा है, और जो ज्ञान है और जो आत्मा है ये दोनों अलग अलग। इसी ने जो पंखे को जानता है वो वास्तव में आत्मा को जानता है, जो दीवार को जानता है वो वास्तव में आत्मा को जानता है, दीवार को नहीं जान रहा है। दीवार संबंधी नॉलेज जो आया वो कहाँ आया, दीवार में है कि इधर है मेरे पास, मेरे पास टीवी है, तो टीवी का नॉलेज मेरी ज्ञान की पर्याय में आया। इसलिए जब टीवी है ये बोलते हैं तो असल में किसको देख करके बोलते हैं, इधर देख करके बोलते हैं कि ये टीवी है, क्यों कि टीवी का फोटो टीवी में नहीं पड़ता है, टीवी का फोटो किस में पड़ा, अपने ज्ञान किस। बहुत पंडित जी बहुत गहराई में गए इस गाथा को, अगर इसको समझ लो ना तो आपको दुकान घर जो भी देखो उसमें कौन दिखता है, फिर आत्मा दिखता है। मुझे चैतन्य चैतन्य भासी रहे हो, अरे लेकिन तुम्हारी नज़र तो बाहर है, तुम रोटी बना रहे हो क्या, तुम टीवी देख रहे हो, तुम दुकान के काम कर रहे हो, नहीं मुझे चैतन्य चैतन्य भासी रहे हो, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बाहर देखता हूँ तो मुझे किसकी महिमा आती है, जब जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ तो मुझे महिमा किसकी आती है, ओ मेरे ज्ञान की आती है, क्योंकि मेरा ज्ञान अगर नहीं होता तो मैं इनको कैसे जानता, अब कहाँ है, अब कण कण में
गली गली में रोम रोम में क्या दिखता है? आत्मा दिखता है। कहाँ नहीं है आत्मा? भगवान सर्वव्यापक है ना? सर्वव्यापक नहीं बोलते, ईश्वर कैसा है? सर्वव्यापक। इस दुनिया में कण कण में अणु अणु में भगवान आत्मा है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली पे है, समुन्द्र में है, सरिता में है, पहाड़ों में है, गलियों में है, एक एक जड़ और चेतन एक एक पदार्थ के एक एक रोम रोम में है। अरे इतना बड़ा भगवान कैसे हो सकता है ये सब में हो? ये सब किसके अंश हैं? ये सारी दुनिया में जो भी पदार्थ हैं जड़ चेतन, वो किसके अंश हैं? परमात्मा के अंश। कैसे? ऐसे जो वेदांत वाले बोलते हैं भगवान कण कण में भगवान है। एक पिक्चर भी आया था, तुमने देखा था छोटा था, तो उसमें गाना है कण कण में भगवान। तो पिक्चर का नाम ही शायद यही था, यही था ना, कण कण में भगवान। मैं बहुत छोटा था, मैं सुन 8 साल का, याद भी नहीं है, स्टोरी उधर सब भूल गया। एक संत ज्ञानेश्वर देखा था मैं, वो भी भगवान सर भक्ति भाव वाला ही है। संत ज्ञानेश्वर में क्या, उसकी पीठ के ऊपर रोटी रखते हैं भूखे थे बच्चे, रोटी गर्म होकर के फुलका हो जाता है सर, फुलकर सब लोग खाते हैं, ऐसा देखा था मैं। वो आनंदी में था, उनका आनंदी भी गए थे, उसमें उनकी समाधि है तो पूरी दीवार से उठ जाती, दीवार पे चार भाई बैठे हैं छोटे छोटे, कुछ प्रॉब्लम आता है तो पूरी दीवार ऐसे, इतना याद है मेरे पिक्चर में। और वो कौन सा वो गाना ज्योत से ज्योत जगह से, वही गाना याद रह गए, बाकी कुछ याद नहीं है। संत ज्ञानेश्वर और एक कण कण में भगवान, बहुत बचपन में देखे सुखी से पिक्चर को। तो एक कण कण में भगवान कैसे? भगवान अणु अणु में कैसे? भगवान सर्वव्यापक कैसे? ऐसे कि जो भी पदार्थ जानने में आते हैं वो असल में पदार्थ को नहीं जान रहा है, पदार्थ संबंधी नॉलेज को जो यहाँ यहाँ हो रहा है, नॉलेज कहाँ हो रहा है? वो जो सुपरमार्केट का जो बड़ा बॉस होता है वो काम करता है, क्या करता है, वो क्लोजिंग सर्किट टीवी देता है ना, उसको देखते रहता है, सब उसको पता है कौन आया, कितने चोरी की, किसने पैसा दिया कि नहीं दिया, कितना माल बिका, सब उसको वहाँ मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ता है? नीचे तो है नहीं, वो तो ऊपर रूम में है, फोर्थ फ्लोर पे है, फोर्थ फ्लोर पे है तो उनको नीचे वाले का कैसे मालूम पड़ेगा? और फौरन कुछ होता है तो फौरन फोन करता है बाजू में काउंटर पे, कभी इसको जाती है ध्यान रखो इधर गड़बड़ है, इधर देखो। ऊपर से कंट्रोलिंग कैसे करता है वो? क्योंकि वो किसको देखता है? पदार्थ को नहीं, उस टीवी के पर्दे को देखता है जिसमें उस पदार्थ का। और हम लोग सारा दिन क्या करते हैं, अगर हकीकत में क्या करते हैं, हम नोट को नहीं देखते हैं, नोट के ज्ञान जो यहाँ हो रहा है आत्मा में उसको देखते हैं। तो असल में हम किसको देखते हैं? सारा दिन किसको देखते हैं? हम ज्ञान को ही देखते हैं, और यही भगवान है। कण कण में आत्मा दिखे, जहाँ देखो जहाँ जहाँ नजर मारी पड़े, यादि बरीचे प्रभु आपने, हर जगह प्रभु आपने, ये गायक बताया क्या कितना सुंदर है वो, मुझे आज मेरा रूप भाया, क्या इतना भागया, इतना भागया कि अब तो कहीं भी जाओ भगवान आत्मा दिखते हैं। खाना खाओ, दुकान पे बैठो, टीवी देखो, घूमो फिरो, बगीचे में जाओ, एंटीआर गार्डन में क्या दिखता है? गायक 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 गायक। क्यों? ये सारा फोटो किस में आया? मैं आत्मा उसकी जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय उसमें सब गार्डन का फोटो पड़ रहा है, समुंदर का फोटो पड़ रहा है, सबका फोटो किस में पड़ रहा है? मेरी पर्याय में पड़ रहा है, और उसको मैं जानता हूँ तो मैं क्या हो गया, मुझे अब हर वक्त हर पर्याय में आत्मा 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 दिखाई देता है। रोटी दिखाई नहीं देती है, रोटी संबंधी ज्ञान जिसको होता है ऐसे आत्मा मुझे दिखाई देता है ऐसा। तो यहाँ जे सर्वशास्त्र ज्ञान ने जाने से उसने भी ज्ञान को जाना है, और ज्ञान के द्वारा वास्तव में तो आत्मा को ही जाना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है वही आत्मा है। देती ज्ञान अने ज्ञानी, ये ज्ञान उसका स्वामी है जो ज्ञायक ज्ञानी,
इसका जो भेद करने वाला जो व्यवहार था उसको भी वास्तव में परमार्थ कहा। ज्ञान को देखा माने किसको देखा? आत्मा को देखा। हीरो में सबसे बड़ा हीरो कौन सा? तो कोहिनूर। किसकी वैल्यू करोगे, कोहिनूर की क्या आपकी? कौन बड़ा, आंख बड़े कि कोहिनूर हीरा बड़ा? देखो जिसको आंख नहीं उसको बोलो कि कोहिनूर हीरा देखो कितना है जबरदस्त, क्या बोलेगा? मेरे लिए टुकड़ा है। उसको क्या मालूम क्या? लेकिन अभी बड़ी किसकी वैल्यू, किसकी ज़्यादा? फिर आँख की वैल्यू करोगे कि आँख के पीछे जो ज्ञान है उसकी वैल्यू करोगे? सारी दुनिया दिख रही है श्रुत केवल है, लेकिन भैया वो आया कहाँ से? ज्ञान दुनिया की वैल्यू करे कि दुनिया को देखने वाले ज्ञान की वैल्यू करे कि वो ज्ञान कहाँ से आया उस भगवान की वैल्यू करे? किसकी वैल्यू करना? दुनिया की वैल्यू करे, स्वर्ग नरक पाताल पूरी दुनिया उसकी वैल्यू करना, इतनी बड़ी दुनिया इसकी वैल्यू करना कि उसको उसका ज्ञान जिसको हो रहा है वो ज्ञान की वैल्यू करना कि वो ज्ञान जहाँ से निकल रहा है उसकी वैल्यू करना। तो वो ज्ञान जहाँ से निकला है वो आत्मा की वैल्यू करना। कितना बड़ा मान है आत्मा, इतनी बड़ी दुनिया को देख लेता है, इतनी बड़ी दुनिया। इतनी बड़ी दुनिया को देखने वाला कौन? देखो ज्ञान को गौण कर दो, बीच में मिडिलमैन कौन है? ज्ञान, उसको गौण कर दो, और दुनिया और आत्मा। बोल दुनिया की वैल्यू क्या, आत्मा की वैल्यू? अगर दुनिया तो है लेकिन इसको मालूम है, क्लिप को मालूम है कि दुनिया है, इसको मालूम है आत्मा किसकी वैल्यू? दोनों में महान कौन सा, पूरी दुनिया में सबसे महान कौन सा? दुनिया महान की दुनिया को देखने वाला महान? और किसके द्वारा देखता है? वो अपनी शक्ति के द्वारा देखता है। ये शक्ति है वो ज्ञान है, वो ज्ञान किस में है? आत्मा में। जो सारी दुनिया को जानता है वो श्रुत केवल, और इसके बराबर इज इक्वल टू जो अपने एक अपने आत्मा को जानता है वो भी श्रुत केवल। इज इक्वल टू सम्यक दृष्टि कैसा है, क्या बताया इधर? सम्यक दृष्टि इज इक्वल टू श्रुत केवली, नेक्स्ट टू परमात्मा। सम्यक दृष्टि नेक्स्ट टू, क्योंकि अब गंधर के बाद भगवान बनने था, गंधर से ऊंचा कोई नहीं, ये सम्यक दृष्टि से ऊंचा इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप श्रावक भी बन गए, मुनि भी बन गए, श्रेणी भी लगा रहे हो, किसकी बलियारी? चलो सम्यक दर्शन मत करो और फिर बन के दिखा दो, चलो आत्मा का दर्शन नहीं करना और फिर श्रावक बन के दिखा दो और मुनि बन के दिखा दो और श्रेणी लगा के दिखा दो, लगा सकते? किसकी वैल्यू ज़्यादा है? सम्यक दर्शन की वैल्यू ज़्यादा है जिसमें आत्मा का दर्शन होता है। तो कौन बड़ा? मैं तो बोलता हूँ भगवान भी बड़े नहीं, केवल ज्ञान भी बड़ा नहीं। क्यों बड़ा नहीं? कि सम्यक दर्शन के बिना केवल ज्ञान कैसे है? पहले कौन, इंजन कौन, डब्बा कौन? सम्यक दर्शन है वो इंजन है और केवल ज्ञान तो पीछे पीछे आता है, वो क्या है? डब्बा है। इसीलिए कृपा उदय ने लिख दिया 165 नंबर में, क्या लिखा मालूम? मुझे अब मोक्ष की जरा भी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए मुझे जैन का केवल ज्ञान। कैसा लिख दिया? अरे फिर मोक्ष कैसे जाओगे? जरूरत नहीं मोक्ष की, मैं तो मोक्ष स्वरूप हूँ। तो आत्मसिद्धि में गाथा आती है मोक्ष कहो नीच शुद्धता, भूल गया कड़ी भूल गया। और पूछो अनंत अव्या बात तू पूछो मोक्ष स्वरूप, ऐसा आया क्या? अबाध्य अनुभव जय रहे तेचे जीव स्वरूप, बहुत बड़ी द्रव्यनियोग की टॉप क्लास गाथा है ये आत्मसिद्धि। मैं पूरा कंठस्थ नहीं हूँ, कभी बुक सामने होगी तो पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बात लेते हैं कि ज्ञान अने ज्ञानी नो भेद कहना जो व्यवहार तेने पण परमार्थ ज कहो। क्यों?
कि दुनिया को जानने वाले ज्ञान और ज्ञान कहाँ से आया, आत्मा ऐसा करके कहाँ जाने का है, दुनिया की तरफ जाना है कि आत्मा की तरफ जाना है, शांति कैसे मिलेगी, दुनिया को जाने शांति मिलती है कि आत्मा को जाने शांति मिलती है। इसीलिए भेद करके करके तो समझाया गया है कि देखो भैया ये दुनिया है, ये दुनिया को कौन जानता है, ये ज्ञान जानता है, ये ज्ञान कहाँ से आया, आत्मा से आया। अभी तुमको दुनिया को जानना है तो किसको जानना, उसके जानने वाले को जान लो, किसको जानना, दुनिया को जानने वाले आत्मा को जान लोगे तो तुम सारी दुनिया को जेब में रख दोगे किचन में, क्योंकि आत्मा में पूरा आ जाएगा उसका फोटो पूरे का पूरा पूरे। वो इतने बड़े 4000 स्क्वायर फीट सुपरमार्केट में घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि इधर जाओगे तो उधर नहीं जाओ, उधर छूट जाएगा। इसके बेटर है तुम एक टीवी के पर्दे के सामने बैठ जाओ, दुकान का हर कोना तुमको दिखेगा, क्या टीवी पे, छोटे से टीवी 14 इंच के टीवी के। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ज्ञान ज्ञानी का भेद कहने वाला जो व्यवहार कहने पर परमार्थ ज करो, अन्य कहीं ना कहीं। दुनिया ने भी किसको सिद्ध किया, दुनिया ने दुनिया को सिद्ध किया कि दुनिया ने आत्मा को सिद्ध किया, आत्मा को सिद्ध किया। तो ऐसे आत्मा को गंधर्व देव ने भी दुनिया को जान करके किसको सिद्ध किया, आत्मा को सिद्ध किया। और सम्यक दृष्टि ने भी दुनिया को जाने बिना डायरेक्ट आत्मा को सिद्ध कर लिया। कल बताया था ना वो खेल खेलते हैं सब, वो चेस वर्ल्ड चैंपियन बन गया, इतना सारा टूर्नामेंट जीत करके। इतने में एक नया आदमी आया, चल मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, उसको कोई पहचानता नहीं था, पहले ही गेम में उसने हरा दिया चैंपियन को। क्या हुआ, अब कौन बन गया वर्ल्ड चैंपियन, इतने बड़े बड़े पेपर में आ गए, बड़े फ्रंट लाइन पे ऊपर। एक अनजाने आदमी ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया चेस के अंदर, नया वर्ल्ड चैंपियन हो गया कौन। ऐसा इधर होता है कि पूरी दुनिया को जानते 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 आत्मा को जानो, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट डायरेक्ट आत्मा को जान लो, फिनिश। क्या पूजा भक्ति करते करते, उपवास करते करते, मरते मरते, शास्त्र ज्ञान करते करते, इसके बाद भी अगर मिले तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। और यहाँ अवलोकन करो, वेद ज्ञान करो और आत्मा का दर्शन करो, जाओ छुट्टी। कौन सा रास्ता इजी लगता है, कौन सा इजी लगता है जिसमें एक पैसा का भी खर्चा नहीं, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, किधर भी नहीं। तो ये क्या है कि जिसने भेद करके पूरी दुनिया को बताया, उसने भी वास्तव में किसको बताया है, किसकी सिद्धि की है, आत्मा की सिद्धि की है। और ये बहुत चालाक है, गणपति जैसा है, कौन अवलोकन करने वाला, उसको 3 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, उसने डायरेक्ट अवलोकन किया, विचार खत्म होते ही विचार को जानने वाला कौन, आत्मा, वेद ज्ञान शुरू कर दिया, पल में ले आ उबारी, क्या फटाफट आत्मज्ञान, फटाफट फट मालूम पड़ गया कि मैं परमात्मा। इतने साल शास्त्र पढ़े तो मालूम नहीं पड़ा कि मैं परमात्मा, इतने पूजा भक्ति कर लिया तो मालूम नहीं पड़ा कि मैं खुद भगवान हूँ। और अवलोकन करते ही वेद ज्ञान करते ही पता चल गया, क्या पता चला, बेकार का दुखी हो रहा हूँ, असल में दुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपने हाथों से अज्ञानता से पत्थरा फोड़ना सर पे, क्या वही धंधा किया अब तक, ताकि आत्मा में कहाँ है, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण, उसमें दुख नाम की चीज़ कहाँ है। आत्मा को परमात्मा को परमात्मा दुखी ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, परमात्मा कभी राग द्वेष क्रोध पाद मान कुछ भी नहीं करता, वो गलत काम करता ही नहीं है परमात्मा, परमात्मा तो केवल जानता है। तो अभी दोष को निकालने की क्या जरूरत है कि परमात्मा का करता नहीं, और दुखी होने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि वो दुखी ही नहीं है, परमात्मा है वो दुखी नहीं। लेकिन अवस्था में दुख तकलीफ हो रही है, सर दुखता है तो तकलीफ तो हो रही है, किसको काहे को तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुम परमात्मा को नहीं देख लिए, देख रहे हो इसलिए तुमको तकलीफ हो रही है। सर दुखे तुम परमात्मा को देखो क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं हुआ, जो भी हो रहा है किधर हो रहा है, बाजू में पड़ोस में हो रहा है, आग लगी तो किस में लगी है, दुकान में लगी है, लेकिन मेरे दुकान के बाजू वाली दुकान में लगी है, मेरे में नहीं लगी है। अब क्या होगा, ऐसे शरीर पड़ोसी है, राग द्वेष के भाव पड़ोसी है, मेरे में नहीं हो रहे, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मेरे मेरे ज्ञान में इन सब का फोटो पड़ रहा है,
क्या पूरी दुनिया का, शरीर का, राग द्वेष के भावों का, बदलती हुई अवस्थाओं का, इसमें क्या हो रहा है, फोटो पड़ रहा है। ये सब मेरे में नहीं है, मैं तो चिन्ह मात्र ज्ञायक मूर्ति हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मेरे में दुख नहीं है। दुख का फोटो है, अज्ञानता से उत्पन्न किए हुए दुख का फोटो है, दुख नहीं है मेरे में। भूख लगी है तो भूख का वेदन होता है, पीड़ा होती है, लेकिन आत्मा को भूख नहीं लगी है, आत्मा को तो भूख का ज्ञान हुआ है। क्या हुआ है, ऐसे अरिसे में अग्नि के सामने अरिसा आया तो क्या होगा, या अरिसे के सामने अग्नि जाएंगे तो क्या होगा, कि अरिसे में अग्नि का फोटो पड़ता है, लेकिन अरिसा जल रहा है। ऐसे ही आत्मा के सामने इन सब फोटुओं को पढ़ना हो रहा है, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं हो रहा है। शस्त्र से कटता नहीं, पानी से गलता नहीं, कैसा है आत्मा, अग्नि से जलता नहीं, ऐसा है अजर अमर आत्मा है। ये जो है आत्मा है, सबका जानने देखने वाला है, वो परमात्मा, वो स्वयं मैं हूँ। कि पढ़ते पढ़ते अपनी महिमा आना, कि देखो कौन बड़ा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में मेरे से बढ़िया कोई नहीं, भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान का तो फोटो पड़ता है मेरे, सदगुरु भी नहीं, सदगुरु का तो फोटो पड़ता है मेरे, सदगुरु को जाना किसने, पहचाना किसने, तो किसकी महिमा करना। अगर सदगुरु के साथ जा कर के, सदगुरु की बात सुन कर के अगर अपने आत्मा की महिमा आवे, और आत्मा की महिमा पूर्वक सदगुरु की महिमा छूट जाए, सदगुरु नाराज होते हैं कि राजी होते हैं, राजी होते हैं, वाह इसने अच्छा काम किया। क्या मैं यही चाहता था कि वो किसको देखे, मेरा सरनाम खाए, किसको देखे, अपने आत्मा को जाने, उसने वो काम किया। ये तो आपका ही ध्यान होता है, आपका ही ध्यान होता है, पीछे लग जाए, अभी आप कुछ करो, अभी आप कुछ करो, आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दो। अरे भैया तुमको बता दिया ना कि तुम अपने आत्मा को देखो, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या, खजाने को दिखा दिया, अब तुम्हारा काम क्या है, गुरु को देखना, बताने वाले को कि खजाने को देखना, तुमको किसको देखना है। गुरु ने काम पूरा कर लिया, क्या काम किया, कि दुखी थे, बहुत दुखी होकर के आए, सुखी होने की तारीख बता दी, भैया आत्मा को देखो, खजाना बता दिया, अनंत ज्ञान से भरा हुआ, सारी दुनिया में सबसे बढ़िया से बढ़िया तत्व कौन है, तू स्वयं है आत्मा, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, वही तुम हो, तुम उसको देखो सुखी हो जाओ। तो गुरु ने तो अपना काम कर दिया, अभी वो बोलता है नहीं आप ही करवा दो, ये कैसे होगा, सुखी होना है तो दुखी तुम हो रहे हो, और सुखी तुमको होना है तो तुमको ही देखना पड़ेगा ना। अगर बीमार पड़ गए तो गोली किसको खाना है, सदगुरु को खाना है कि आपको खाना है, ये बोलता है आप ही खाओ गोली, अरे भैया मार डालोगे, ऐसा कैसे होगा, बीमारी तेरे को हो रही है तो गोली सदगुरु कैसे खाएंगे, गोली कौन खाएगा, गोली नहीं आप सदगुरु ही बताएंगे ना कि वो गोली आप बता रहे, लेकिन वो फिर भी वो बोलता है अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। क्या चाहिए, आत्मा चाहिए कि समय दर्शन चाहिए, तुझे क्या चाहिए, आत्मा चाहिए तो मेरे को दिख रहा है, तुमको नहीं दिखता है तुम्हारी गलती, क्योंकि तुम किसको देखते हो, समय दर्शन को देखते हो, आँख बंद करके बैठे हो, लेकिन तुम क्या सोच के बैठे हो, अभी हो जाए, अभी हो जाए, किसको देखते हो, गुरु ने क्या कहा, किसको देखने को बोला, आत्मा, और तुम किसको देखते हो, किसकी राह देख रहे हो, जो नहीं आया है, नहीं उत्पन्न हुआ उसकी राह देखते हो, और जो है भगवान हाजरा हजूर उसको देखते नहीं हो, यह आकर अटक जाते हैं। क्या भगवान मौजूद है, हाजरा हजूर है, अगर भगवान नहीं होते तो कौन जानता है सब, लेकिन वो ध्यान में किसको देख रहा है, ध्यान में भगवान को नहीं देख रहा, ध्यान में मेरा उपयोग कब आत्मा में लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, कितनी देर हो गई, कितना घंटा बैठना पड़ेगा, जल्दी हो जाए तो जान छूटे, जल्दी चले अपने गांव, जल्दी जल्दी हो जाना है, जल्दी जल्दी कैसे देखो ना, फिर अब एक सेकंड में हो जाएगा, लेकिन तुम किसको देखते हो, समय दर्शन को देखते हो, तुम अज्ञान को मिटाना चाहते हो और ज्ञान प्रकट करना चाहते हो, उसे गड़बड़ होगा, जबकि ज्ञान तुम्हारे पास ही है, हाजरा हजूर है, ज्ञान क्या, ज्ञान की मूर्ति तुम हो, ज्ञान की मूर्ति को ज्ञान की क्या जरूरत है,
कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम उसको देखते हो। और जो ज्ञान का पिंड है, सारी दुनिया को जानने वाला है, उसको तुम नहीं देखते हो। तो आप को भूल गया, इनसे क्या चश्मा पहना है और चश्मे को ढूंढ रहा है। मुझे आत्मा का दर्शन हो जाएगा ना, तो समय दर्शन हो जाएगा। तो किसको ढूंढ रहा है? समय दर्शन कहाँ होगा? टीवी के बाजू में रखा है ना समय दर्शन को, उधर कोने में, इधर अभी तो रखा था, ड्रेसिंग टेबल पर रखा होगा। समय दर्शन कहाँ रखा है? किसको ढूंढ रहा है? कौन ढूंढ रहा है? समय दर्शन किसको चाहिए? वो अज्ञानी आत्मा को चाहिए। खुद होकर के खुद अपने को ढूंढ रहा है, उसका नाम क्या हो गया है? ऐसी भूल भुलैया है, आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर, सुमर सुमर अब हसत है, नहीं भूलेंगे। ज्ञानी को हंसी आती है, मैं ही था और मैं ही शांत मूर्ति था, मैं ही ज्ञान मूर्ति था, और कहाँ खोज रहा था? रोटी कपड़ा मकान में, उधर उधर भागम दौड़ी कर हनुमान जी के मंदिर गया, साईं बाबा के मंदिर गया, तिरुपति बालाजी गया, क्या किधर किधर गया, भटका, सोनगढ़ गया, देवलाली गया, आगास गया, इधर गया, और फिर कहाँ था? इधर मिला, मिला तो किधर मिला? तेरो धनी नहीं दूर दिसम तक, तो ही में है तुझे सूझत नहीं। बनास दास कहते हैं तेरा जो स्वामी है परमात्मा है वो कहाँ है? किधर भी नहीं गया, कहीं नहीं खो गया है, तुम खो गए हो। तुम परमात्मा को नहीं किसी और को ढूंढ रहे हो, और मुंह में क्या बोलते हो? परमात्मा को ढूंढ रहा हो। हकीकत में किसको? वो दोसीमा जैसा हाल है। दोसीमा को देखे तो कहानी सुनी थी, झोंपड़ी में सोए गिर गई, और ढूंढते तो मिलती नहीं है, फिर क्या किया? अभी ये अंधेरा नहीं मिलेगी तो कहाँ, बाहर रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट थी, वहाँ जाकर के ढूंढ रही है। इतने में कोई आया कि भाई क्या कर रहे हो, कब से? मैं आधा घंटा हो गया यार, मैं समझा अभी वहाँ गई तो वहाँ है झोंपड़ी में, लेकिन वहाँ अंधेरा है तो मैं बोली प्रकाश में मिल जाएगी सर, लेकिन यहाँ आधा घंटा घंटे से ढूंढ रही, मिलती नहीं है, या तुम ढूंढ के दो। अब क्या हो, क्या समझेंगे? जहाँ खो गई है वहाँ ढूंढना, जहाँ नहीं खोई है वहाँ मिलेगी? ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं, शांति अपने पास, सुख अपने पास, दुख नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं पूरी दुनिया में, कि वो गाली नहीं देवे तो सुखी, वो कुछ न बोले तो सुखी, नींद अच्छी आ जाए तो सुखी, या अपने सपने पूरे हो गए तो सुखी, क्या कितनी निमान, समय दर्शन हो जाए तो सुखी, सत्संग में कोई आने दे तो सुखी, नहीं तो मैं दुखी, ऐसे कैसे होगा? तुम अपने आत्मा को देखोगे तो सुखी हो जाओ। और तेरा आत्मा कहाँ है? किसके पास रखा है? गिरवी आत्मा कहाँ रखा है? गिरवी रखा है क्या? सद्गुरु के पास तो रखा होगा, गिरवी नहीं रखा। तेरा परमात्मा तेरे पास है, ये बात कहा, इतनी बड़ी बात कह दिया कि सारी दुनिया को कहाँ जानते हैं गणधर देव? सारी दुनिया को जानने वाले अपने ज्ञान को जानते हैं, मतलब ये ज्ञान कहाँ से आया? आत्मा से आया। तो वास्तव में किसको जानते हैं? आत्मा को जानते हैं। और समय दृष्टि आत्मा को ज्यादा जानते थे, भले दुनिया को नहीं जानते कोई बात, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? अगर तुझे सुखी होना है और परमात्मा बनना है तो किसको जानना चाहिए? पहले अपने आत्मा को जानना चाहिए। तो व्यवहार एक ज्ञान ज्ञानी का भेद कहने वाला जो व्यवहार, उसने भी परमार्थ को ही कहा, वास्तव में व्यवहार को नहीं कहा, ये ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसा भेद किया, लेकिन किसको बताने के लिए किया? ज्ञान को बताने के लिए कहा कि आत्मा को बताने के लिए कहा? देखो तो वेद का एंगल कौन सा है, प्रयोजन क्या है? वेद का प्रयोजन आत्मा को दिखाने के लिए, दूसरा कुछ नहीं कहा है। ज्ञान की चर्चा करते वक्त ज्ञान की चर्चा नहीं है, वो किसकी चर्चा है? दुनिया की चर्चा करते वक्त दुनिया की चर्चा नहीं है, वो किसकी चर्चा है? आत्मा की चर्चा है। बड़ी परमात्मा विषय तो कथन चित वचन गोचर पर नहीं, जो आत्मा है वो एक अपेक्षा से देखा जाए तो उसके वाणी में कह नहीं सकते, वाणी में तो भेद करके ही कहना पड़ता है। ये थी व्यवहार नयज आत्मा ने प्रगटपणे कहे छे एम जान। आत्मा को कौन कहता है और कहने सुनने की बात कहाँ तक है?
कौन सुनेगा आत्मा की बात, कौन पढ़ेगा, कौन? जिसने अपने आत्मा को नहीं जाना है वो, तो अज्ञानी के लिए क्या, अज्ञानी के लिए व्यवहार नहीं प्रयोजन। सदगुरु के शरण में जाना क्यों, ये व्यवहार क्यों, क्योंकि तू अज्ञानी है, इसलिए ज्ञानी होने के बाद तुझे नहीं कहें। सदगुरु के चरण में क्यों जाना, ऐसा क्यों कहते हो, आत्मा को देखने को क्यों नहीं कहते हो? तुमने आत्मा को देख लिया तो तुझे नहीं कहेंगे, लेकिन तुमने आत्मा को नहीं देखा है, अब तुझे कहेंगे कि जिसने आत्मा देखा है उसके चरण में सर्वभाव अर्पण कर दो, फिर तुझे मोक्ष नहीं मिले तो मुझे कहना। मोक्ष माने क्या, समय दर्शन तो गारंटी मिलेगा, और समय दर्शन मिलेगा तो मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा क्या? लेकिन बात ऊँची करते हैं कि वापिस समय दर्शन हो जाएगा, वापिस मोक्ष के लिए आना पड़ेगा, तो जरूरत नहीं है फिर आने की। ज्ञानी के शरण में जाएगा तो वो आत्मा दिखा देंगे, और जिसको आत्मा दिख जाएगा उसको मोक्ष हो जाएगा। तो घड़ी घड़ी आत्मा देखने के बाद घड़ी घड़ी सदगुरु के पास आने की जरूरत पड़ेगी, फिर तो खुद को मालूम पड़ जाएगा, खुद ही खुद अपने आत्मा की आराधना करते करते भगवान। जो ज्ञानी के शरण में जाता है, ऐसा जो व्यवहार है वो किसको कार्यकारी है, ज्ञानी को क्या अज्ञानी को? ज्ञानी को कार्यकारी, क्योंकि वो उसने कभी आत्मा को देखा नहीं, और आत्मा को ज्ञानी भी वचन में बराबर कह सकते हैं, क्योंकि वचन में आवे ऐसा नहीं है, इसका स्वरूप ऐसा है कि वचन में पूरा आवे ऐसा। जे स्वरूप सर्वज्ञ दीठू ज्ञान कही सक्या नहीं ते पण भगवान जो, ते स्वरूप ने अन्य वाणी ते मात्र अनुभव कच रही ते, एक अनुभव में आया ऐसा आत्मा, उसको वाणी में कितना कहोगे कहेंगे, तो कथनचित वो वचन गोचर भी नहीं। इसीलिए जो व्यवहार नए है, जो भेद करके आत्मा को समझाता है, वही वास्तव में आत्मा को प्रकट रूप से कह सकता है। निश्चय ने तो कहने का बात ही नहीं, निश्चय ने में तो ये सब देखता ही नहीं है, नागारी भाव। निश्चय ने किसको देखता है, अकेले आत्मा को देखता है। लेकिन इसके पहले का जो आत्मा को दर्शन हो, इसके पहले की जो लाइन है वो कोई बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है, व्यवहार की बात कोई नहीं करता है, व्यवहार की बात में उल्टा व्यवहार है। कौन सा व्यवहार, पूजा करो, भक्ति करो, उपवास करो, ये व्यवहार नहीं है। सदगुरु के शरण में जाना और अवलोकन और भेद ज्ञान करना वो व्यवहार है। लेकिन गलत बता दिए लोगों ने कि अगर आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ तो क्या करो, ऐसा आत्मा थोड़ा मिलता है, आत्मा सेकंडों में मिलता है। लेकिन वो अपने को गलत समझाते हैं, उल्टा व्यवहार दिखा दिए। उन्हें अवलोकन भेद ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं, करते हैं तो जोर नहीं देते हैं उसके, और जोर कहाँ देते हैं, जाप करते हो कि नहीं करते हो, उपवास करते हो कि नहीं करते हो, जो बाधा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इस पर जोर देते हैं, वे व्यवहार नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि आत्मा को कैसे देखना चाहिए। सच्चा व्यवहार क्या है, सच्चा व्यवहार एक ज्ञानी पुरुष के शरण में जा करके अपने सर्वभाव अर्पण करना, वो जैसा बोले ऐसा अवलोकन, और जैसा बोले ऐसा भेद ज्ञान करना, जो आत्मदर्शन बन जाए, ये व्यवहार। वो आत्मज्ञान प्रकट होने के लिए ऐसा है, तो आत्मज्ञान प्रकट होने के बाद तो कोई जरूरत ही नहीं किसी बात, वो तो अपने आप मालूम पड़ जाता है। एक आत्मा जाना तो किसको जाना, पूरी दुनिया को जान ली। तो एम जानू परमात्मा विषय तो कथन चित वचन गोचर पूर्ण थी, क्योंकि व्यवहार नए आत्मा ने प्रगटपणे कहे छे एम जानू। यहाँ ये अपना 9 और 10 नंबर की गाथा पूर्ण हुई। अभी जो मूल इम्पोर्टेंट गाथा है, जो जैन दर्शन के प्राण कहते थे गुरुदेव, वो 11वीं गाथा बाद में लेंगे। Thank you.